नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं यूएई से रिलेटेड, अबू धाबी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आपको बता भाई, गल्फ कंट्रीज खासतौर से सऊदी अरबिया में कहीं पर भी मान लीजिए सोशल मीडिया का जो सिस्टम है ना, बड़ा वहां का कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है। इस वजह से लोग डरते हैं और जहां डरते हैं ना वहीं लोग रुकते हैं, वरना तो रुकने वालों की पैदा नहीं, मतलब रुकने वाले को सवाल ही नहीं होता कि एक दूसरे के खिलाफ कमेंट करना, फोटो डालना, गलत बातें लिखना, उनकी सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर देना, ऐसा इंडिया में आम बात होती है। जी हाँ, हालांकि इंडिया में भी अभी सख्ताई है, लेकिन भाई कंट्री बहुत बड़ी होने की वजह से इतनी ज्यादा सख्ताई से कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन यूएई में सख्ताई से साथ कार्रवाई हो जाती है। जी हाँ, एक लेटेस्ट मामला सामने आया है। यूएई में एक महिला ने बिना पूछे एक व्यक्ति की फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी। जी हाँ साथियों, तो उसका नतीजा क्या हुआ, हम डिटेल से बात करेंगे और आपको भी सबक लेने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज यूएई से रिलेटेड नई रोज अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हुआ यूं कि अबू धाबी में एक व्यक्ति ने कोर्ट में मानहानि का केस कर दिया एक महिला के खिलाफ। जी हाँ साथियों, अब कोर्ट इस बात से नाराज हो गया, 20,000 दुबई दराम का जुर्माना लगा दिया उस महिला पे। अब महिला ने किया क्या, महिला ने हालांकि गलती मान ली, उसने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे उस व्यक्ति की फोटो लगा दी और उसमें साथ में कोई कोर्ट का कोई फैसला आया होगा उसकी इमेज उसमें साथ में फोटो में नाम डाल दिया, नाम सही। जी हाँ, और उस व्यक्ति ने देख लिया कि भाई मेरी फोटो इंस्टाग्राम पे इसने सोशल मीडिया पे डाल दी, तो उसने कोर्ट के माध्यम से उसके ऊपर मुकदमा करवा दिया। कोर्ट ने उसको देखा, सोचा, समझा तो समझ में आ गई कि बिल्कुल ये काम गलत हुआ है। किसी की गोपनीयता, किसी की प्राइवेसी को आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शेयर कर सके। जी हाँ साथियों, खासतौर से गल्फ कंट्रीज में, भाई इंडिया में तो होता है आप सबको पता ही है, लेकिन वहां नहीं कर सकते। दुबई 20,000 दुबई दराम का कोर्ट ने फाइन लगा दिया फट से, और उस महिला को चुकाना पड़ेगा, अगर नहीं चुकाएगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा। हालांकि महिला ने गलती मानते हुए बोला कि मेरा मनसा ये नहीं थी कि भाई इसके साथ मैं कोई गलत करूं या इसको उसकी बेइज्जती करूं, मैंने तो नॉर्मली तरीके से डाला था, इसको ठेस पहुंचाने की मेरी कोई मनसा नहीं थी, लेकिन गलती तो गलती होती है। तो भाई आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती आप ना करें, वरना आपके साथ भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि आप आराम से बैठे हैं, किसी के साथ आपकी नहीं बनती, उसकी सोशल मीडिया पे फोटो डाल देते हो या कुछ उनके गलत लिख देते हो धर्म के खिलाफ वगैरह वगैरह, तो आपको पता भाई यही है वो दुबई कतर, आपको पता है गल्फ कंट्रीज में सख्ताई के साथ सोशल मीडिया पे अगर आप डालते हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड मैं हर बार जानकारी आपको देता भी रहता हूं। सऊदी ने भी आपको पता सख्ताई के साथ कानून बना दिया, 2019 दिसंबर में बन चुका है। 5 साल की सजा, 3 मिलियन दुबई दराम यानी 60 लाख रुपए इंडियन जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। वैसे ही आपको पता है यूएई में भी ये कानून बना हुआ है। तो इन चीजों से बचें, आप खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, ताकि आपके साथ दिक्कत परेशानी का सामना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।